मेरा चैनल, मैं हूँ चारु जैन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोग, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि अरु के मुंबई जाने से उसके एडमिट होने की, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसकी सर्जरी से लेकर उसके डिस्चार्ज होने तक की। तो 4th की मॉर्निंग में मैं और भैया हॉस्पिटल पहुँच गए थे, तो अरु हमको ओटी के बाहर मिला था, हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो नर्सेज ने उसको रेडी कर दिया था उसका स्पॉन्ज करके। उसने हॉस्पिटल की एक ब्लू कलर की बड़ी सी शर्ट पहनी हुई थी, बिकॉज वहाँ पे बेबी के क्लोथ्स नहीं थे, और इतना छोटा सा रू इतनी बड़ी शर्ट में कैसा लग रहा था। और फिर उसने एक कैप पहना हुआ था, तो पापा ने उसको पूजा करवा दी थी, मतलब वो तैयार था ओडी में जाने के लिए। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में लिया, तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि वो जा रहा है, मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मुझे रोना नहीं है। मैं गया, डॉक्टर ने बोला आप टेंशन मत लो, अभी आपके जैसा होकर ही वापस आएगा। उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई। उसकी सर्जरी में कैसा था, उसके ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक एक कट लगाया था, पूरी स्किन को आगे करके, यहाँ मतलब यहाँ से पूरी स्किन आगे करके वो वाला पार्ट बाहर निकाल के उसकी बोन्स में करेक्शन हुआ था। मतलब बोलने में बहुत इजी लग रहा है, बट इस सर्जरी में 4 to 5 hours लग गए थे। उसके जो स्टिचेस थे वो बायोडिग्रेडेबल थे। तो फिर उसके बाद हम लोग सब बाहर ही बैठे हुए थे, मैं, भैया, लव, पापा। तो भैया हम लोग के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे कि कैसा कैसा होता है सर्जरीज जो होती हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं एनेस्थेटिक को, वो पैर वैर मार देते हैं, घूसे घूसे मार देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाने देते हैं। तो बस बहुत सारी बातें थी, भैया बोल रहे थे यहाँ की कॉस्मेटिक टीम, यहाँ की डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ के इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो बस ऐसे ही 4 to 5 hours सब बातें कर रहे थे, ऐसे ही टाइम पास हो रहा था, क्योंकि सबको टेंशन थी कि बस सर्जरी अच्छे से हो जाए। फिर भैया बोल रहे थे कि रोने की ज़रूरत नहीं है, लव बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो पक्का ही रोएगी। मैंने कहा मैं क्यों रोऊंगी यार, वो तो अच्छा होने के लिए गया है, उसका फोरहेड फ्लैट होगा तो कितना अच्छा दिखेगा। फिर उसकी सर्जरी, मतलब उसकी सर्जरी हो गई थी, उसके स्टिचेस पे ड्रेसिंग चल रही थी, तो डॉक्टर ने हमको आकर उसकी पिक दिखाई। सर ने बोला कि देखो औरों का तो पता नहीं, बट अब ये आपके जैसा हो गया है। उसका फोरहेड पूरा फ्लैट हो गया था, मतलब यहाँ से सर ने उसका बैक साइड से पूरा फोटो दिखाया था। तो हम सबको इतना रिलीफ मिला कि फाइनली जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी, सब कुछ किया था, वो अच्छे से हो गया, अरु ठीक है। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आप टेंशन मत लो, अब उसकी रिकवरी भी अच्छी ही होगी। टाइम आया अरु से मिलने का, उसको आईसीयू में शिफ्ट करने का। तब हमने अरु को देखा, मतलब आई नो कि मैंने बस कैसे अपने आप को कंट्रोल किया। उसके पूरे फेस में बहुत स्वेलिंग हो गई थी, उसके हैंड्स में आईवी लगा हुआ था, मतलब फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर मैं उससे, फिर वो बेहोश ही था, फिर मैं उससे मिली, तो फिर जब उसको होश आया तो वो इतना रोया। उससे पहले वो इतना तब रोया था जब उसके आईवी लगा था, और वो बस जग के रोए ही जा रहा था। फिर मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं आईसीयू से बाहर आ गई। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरे से वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप जाओ अंदर। फिर मैंने लव को अंदर भेजा, मैं पूरे दिन आईसीयू के बाहर ही बैठी रही। बस मैं लास्ट में उससे एक बार मिली और मैं घर आ गई। फिर घर आती थी, आप को देखती थी, फिर आप का ध्यान रखना होता था, फिर अगले दिन फिर हॉस्पिटल जाना होता था। मतलब सबका शेड्यूल इतना टफ हो गया था, बट ये सब जो हो रहा था वो शायद सब बहुत अच्छा जा रहा था। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं फिर से हॉस्पिटल गई, फिर अरु को वार्ड में शिफ्ट किया, जो 24 आवर्स के लिए उसको आईसीयू में रखा था, तो उसके सारे जो टेस्ट वगैरह या जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो सब ठीक थी, तो डॉक्टर ने उसको वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद वो सिर्फ क्या कर रहा था, वो सिर्फ रो रहा था, बिकॉज़ जब वो जग रहा है तो भी उसको कुछ नहीं दिख रहा है। उसके पूरे फेस पे स्वेलिंग थी, उसकी आईज इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो तो वो सिर्फ रो रहा था। और डॉक्टर्स ने जैसे कि बताया था कि उसको वॉमिट होगी, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा फीड करा रहे थे और उसको सिर्फ वॉमिट हो रही थी, तो उसकी वॉमिटिंग की भी उन्होंने उसको ड्रॉप्स दिए थे। उसके बाद नर्सेज आती थी, उसकी आई ड्रॉप डालने, उसकी आंखें पूरी बंद थी तो ज़बरदस्ती ऐसे खोल खोल के उसकी आई में आई ड्रॉप डालती थी, तो वो इतना रोता था और वो सिर्फ चिल्लाता था नहीं 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 नहीं। वो तभी से नहीं 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 बोलना सीख गया था, और इतने अलग अलग मतलब वर्ड्स बोलना सीख गया था, वो क्या क्या बोलता था, उसको जो कोई भी उसको टच करता था और वो सिर्फ चिल्लाता था। तो वो पूरे टाइम गोदी में ही रहता था, दिन में तो मेरी गोदी में, लव की गोदी में, और रात को वो सोता ही नहीं था बेड पर, वो सिर्फ लव की गोदी में ही, वो अपने पापा की गोदी में ही सोता था। तभी से उसको अपने पापा से इतना अटैचमेंट हो गया है शायद कि वो सिर्फ अपने पापा के पास, अभी भी वो रात को अपने पापा के पास ही सोता है, और सुबह सबसे पहले उठ के वो अपने पापा की गोदी में ही जाता है, उसके बाद वो मेरे पास आता है, मुझे प्यार करता है, मेरा फेस टच करता है,
बट पहले उसके पापा, मतलब उसके पापा उसकी माँ बन चुके हैं, तो हम लोग अभी भी हंसते हैं कि जा अपनी माँ के पास जाओ, अपनी माँ से करवा लो ये सब काम। फिर जब वो मेरी गोदी में था तो उसके स्टिचेस में से ब्लड आने लगा, मैं इतना पैनिक हो गई कि ये क्या हो गया, उसके स्टिचेस तो नहीं खुल गए। मतलब ऐसा होता है ना कि आप एकदम ऐसे ही सोच जाते हो कि स्टिचेस खुल जाएंगे, बट ऑब्वियसली स्टिचेस नहीं खुलेंगे, बट उसमें उसमें ब्लड आ रहा था। तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, इसकी ड्रेसिंग हट भी जाएगी, तो अब आप इसको कैप पहना दो। तो फिर हमने उसको वो मंकी कैप पहना दिया, फिर उसके बाद वो मंकी कैप पहन के रहता था। फिर उस दिन बस ऐसे ही टाइम निकल रहा था हॉस्पिटल में, फिर मैं फिर से घर चली गई। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं उससे मिलने आई। फिर उसके बाद 6 को उसकी थोड़ी सी स्वेलिंग कम हुई, और शाम के टाइम में उसकी थोड़ी एक आई थोड़ी सी ओपन हुई। और जैसे ही उसकी एक आई ओपन ओपन हुई तो उसने ऐसे स्माइल किया, मतलब ऑब्वियसली उसको 3 दिनों से कुछ नहीं दिख रहा है, और उसकी थोड़ी सी आँख खुली और उसने अपनी आई ओपन करके देखा तो उसको थोड़ा कुछ दिखा, मैं दिखी, लव दिखे, ऐसे शायद, तो उसने थोड़ी सी स्माइल की। फिर उसके बाद ताई जी ताऊ जी सब लोग आए थे उससे मिलने, तो सबको रिलीफ मिला कि अरे हाँ, अब तो उसकी आंखें खुल जाएंगी कल तक अच्छे से, और फिर तो ये ठीक ही है, बाकी सब तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस यही सब कुछ था। फिर नेक्स्ट डे हमको 8th को भी उसका ऐसे ही हुआ पूरा दिन, 8th को उसकी थोड़ी थोड़ी आई और खुलने लगी थी। फिर 9th को हमको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। फिर डॉक्टर्स ने जैसा सिम्टम्स बताया था कि उसको फिट्स आएंगे, तो थैंक गॉड उसको एक भी बार फिट्स नहीं आए, सिर्फ उसको वॉमिट ही हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका क्या क्या करना है, उसका ये करना था कि उसको जब भी वो खेले तो उसके आसपास पिलो या कुशंस लगा के रखने थे, कि मतलब अगर वो गिरे तो उसका इम्पैक्ट उसके हेड पे ना पड़े, बिकॉज उसके पूरे स्टिचेस थे और अभी अभी उसका सर्जरी हुआ है। तो बस यही प्रिकॉशंस लेने थे, बाकी उसके जो मेडिसिन थे वो कैल्शियम और वाइटामिन D3, तो ये उसका बर्थ से ही चल रहा था जब वो पहले ICU में गया था। और उसके बाद डॉक्टर ने उसकी एंटीबायोटिक्स दी थी, वो 7 डेज उसको देनी थी। उसका एक आयरन का ड्रॉप था, बिकॉज उसका ब्लड सर्जरी में उसका ब्लड लॉस हुआ था, तो उसका आयरन का एक ड्रॉप था रेडिकैप करके, वो उसको 3 मंथ्स तक देना था। जब भी वो हम उसको ड्रॉप देते थे तो उसको क्या था, आयरन की ड्रॉप से उसको ज़्यादा भूख लगती थी और वो ज़्यादा ज़्यादा फीड लेता था, तो तब से उसका वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। मतलब ये अच्छा साइन था उसकी रिकवरी का कि उसका वेट गेन हो रहा था, बिकॉज वो बहुत वीक भी हो गया था आफ्टर सर्जरी। फिर तब से फिर उसका वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। फिर उसका कैप लगा के रखना था जिससे उसके स्टिचेस पे कुछ डायरेक्ट टच ना हो, या डस्ट ना जाए, या आप ही उसको टच ना कर दे, तो हम उसको कैप लगा कर रखते थे। 15 से 18 डेज हमने उसको कैप लगा कर ही रखा। उसके बाद फिर हम सूरत वापस आ गए 9th को, और उसने पूरे रास्ते अपनी माँ के ऊपर वॉमिट करता रहा, और भाई फाइनली घर आ गया। सबको इतना रिलीफ मिल गया था कि हाँ, आरू के लिए जो इतना कुछ करने का सोचा था वो फाइनली हो गया, और आरू का फोरहेड फ्लैट हो गया, अब वो बाकी सबके जैसा दिख रहा है। फिर 15 डेज बाद हमको डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाना था, हम उसके चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने बोला कि सब लोग सब कुछ अच्छा है। फिर डॉक्टर ने उसके पिक लिए, उसके साथ आपके पिक लिए, और डॉक्टर बहुत खुश थे कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है। उसके बाद हमने सर को बोला कि सर इसकी जो आई की जो बोन है हमको लग रहा है थोड़ी, मतलब थोड़ी अलग दिखती है, थोड़ी बाहर की साइड निकली हुई दिखती है। तो सर ने बोला कि पूरी बोन्स को मोल्ड होने में 3 मंथ लग जाएंगे, 3 मंथ्स बाद वो प्रॉपर आपको अच्छे से दिखने लगेगा। बट फिर हमको भी उसके उस फेस की हैबिट हो गई, क्योंकि तो पहले अरु का फेस मतलब फोरहेड ऐसे था तो उसकी आईज बड़ी लगती थी, अब उसकी आईज थोड़ी मतलब ऐसा ऐसा हमें लगता है कि थोड़ी छोटी दिखती है। बट फाइनली फिर हम उसका चेकअप हो गया, फिर हम आए। फिर उसके बाद हमने एक जुलाई एंड में एक इगतपुरी महाराज की ट्रिप प्लान करी कि सबका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, अरु को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बिकॉज इतने दिनों से बस वही सब कुछ चल रहा था कि सर्जरी कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो फाइनली हम फिर वो ट्रिप पर गए, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, वहाँ पे हमने उनको राइड दिलवाई, उनको प्रेम में घुमाना। हमें लगता था कि अरु बस थोड़ा सा अच्छे से हैप्पी हो जाए, थोड़ा सा हैप्पी हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा कम हैप्पी रहने लगा था सर्जरी के पहले, वो बहुत खुश रहता था। सर्जरी के बाद थोड़ा सा ऑब्वियसली उसकी बॉडी में भी वीकनेस थी, तो वो सब उसका पूरा रिकवरी 15 से 20 डेज लग गए उसकी पूरी रिकवरी होने में। जून में तो मीन्स जुलाई एंड में तो वो एकदम परफेक्ट हो गया था। फिर
तो गाइस मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके बेबी को कोई भी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो आप वो मत सुनो, आप सिर्फ डॉक्टर्स की सुनो और अपनी सुनो कि आपको उसकी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है। क्योंकि लोग तो आपको पता नहीं क्या क्या सजेशन देंगे, क्या क्या बोलेंगे कि अगर आपका बेबी टाइम पे चल नहीं आ रही, अभी तक चलता नहीं है, टाइम पे बैठ नहीं आ रही, अभी तक बैठता नहीं है। तो ठीक है, हर बच्चे की एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो गाइस आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें, जिससे जो भी मैं आपको अपनी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।